समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में बल्लू नाम का एक आदमी रहता था। बल्लू काफी गरीब था और खूब मेहनत करके किसी तरह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ गया और खाने का कुछ नहीं बचा। बल्लू ने सोचा कि पास के शहर में जाकर कुछ काम करता हूँ और दो पैसे कमा के लाता हूँ। माँ माँ माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, वहां जाकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब सारा अनाज, खूब सारी सब्जियां, सब लेकर वापस आऊंगा। ठीक है बल्लू बेटा, अपना ध्यान रखना, घर में बस 3 रोटी बची है, मैं एक कपड़े में तेरे लिए वो रोटियां बांध देती हूँ। हाँ ठीक है माँ, ठीक। बल्लू की माँ ने रोटियां बांध दी और बल्लू चल पड़ा शहर की ओर। चलते चलते बल्लू थक गया था तो उसने थोड़ा आराम करने की सोची। इतने में बल्लू को एक कुआं दिखाई दिया। बल्लू ने सोचा, ये जगह आराम करने के लिए अच्छी है, यहां मैं अपनी रोटियां भी खा लूंगा और कुएं से पानी भी पी लूंगा। बल्लू ने रोटियां निकाली और सोचने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों खा लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस कुएं में 3 भूत रहते थे। उन्होंने बल्लू की आवाज सुन ली और डर गए कि आज उन्हें कोई खाने आ गया है। तीनों भूत तुरंत कुएं से बाहर आए और बोले, ए भाई भाई भाई, क्या करने का भाई, ए भाई क्या कर रहे हो भाई, ए मेरे को नहीं खाने का भाई, मेरे को बख्शने का भाई, मेरे पास मस्त आइटम है, मैं तेरे को देगा भाई, मेरे पास एक जादुई बकरी है, ठीक है भाई, तुम जब भी उसकी पीठ थपथपाओगे ना, उससे बहुत सारी सोने की मुद्राएं निकलेंगी भाई, जानेगा ना भाई, मेरे को बख्शने का भाई। बल्लू यह सुनकर काफी खुश हो गया और जादुई बकरी लेकर चल दिया। रास्ते में वो एक सराय में गया। सराय के मालिक ने बल्लू के फटे कपड़े देखे और बोला, यहाँ क्यों आए हो भैया, सराय में रहने के लिए सोने की एक मुद्रा लगती है। बल्लू ने बकरी की पीठ पर हाथ फेरा तो बकरी ने सोने की मुद्राएं निकाल दी। सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि कुछ भी करके ये बकरी उससे मिल जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे आओ भाई आओ, इसे अपनी ही सराय समझो, इस सुंदर से कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। जब बल्लू खाना खा रहा था तो सराय के मालिक ने चुपके से बल्लू की बकरी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी बकरी बांध दी। अगले दिन बल्लू अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ माँ माँ, देखो मैं सोने की मुद्राएं देने वाली बकरी लाया हूँ, ये देखो। है? सोने की मुद्रा देने वाली? बल्लू ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा तो बकरी ने सोने की मुद्रा तो नहीं दी लेकिन खूब सारे मेंगड़े कर दिए। ये देखकर बल्लू की माँ बहुत नाराज हुई। छी छी, ये क्या लाया तू? बल्लू बड़ा परेशान हो गया और अगले दिन फिर से कुएं के पास पहुंच गया और बोला, तुम भूतों ने मुझे धोखा दिया, मैं आज तुम तीनों को खा जाऊंगा। भूत डर गए और बोले, ए भाई भाई भाई, क्या करने का भाई, अपन तेरे बकरी दे रहा भाई, और टेंशन नहीं लेना भाई, अपन तरह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देगा, ठीक है भाई, बख्शने का ना भाई। बल्लू ये सुनकर खुश हो गया और मुर्गी लेके चल दिया। वो फिर से सराय पहुंचा और बोला, आज सोने की मुद्रा नहीं है, सोने का अंडा चलेगा क्या? अरे जरूर चलेगा बल्लू भाई, आओ आओ अंदर आओ। बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। आज सराय के मालिक ने चुपके से मुर्गी बदल दी। अगले दिन फिर बल्लू अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ माँ माँ, देखो आज मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लाया हूँ, ये देखो। है? सोने के अंडे? बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने का अंडा तो नहीं दिया लेकिन खूब सारी बीट कर दी। ये देखकर बल्लू की माँ बहुत नाराज हुई और उसे डांटने लगी, ये क्या रोज रोज घर गंदा करवा देता है, मुझे ही साफ करना पड़ता है, कल से ऐसा किया तो घर के अंदर नहीं आने दूंगी, समझा? बल्लू उदास हो गया। वो गुस्से में कुएं के पास पहुंचा और बोला, तुम भूतों ने मेरा मजाक बना के रख दिया है, आज तो मैं तुम तीनों को खाकर यहाँ से जाऊंगा। भूत बाहर आए और बोले, ए भाई 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 भाई, ए भाई नहीं 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 भाई, ए भाई अपन तेरे को बकरी दे रहा है, मुर्गी दे रहा है, ए रुक, गाय को खा रहा है भाई, अपन तेरे को कहते हैं भाई, ए अपन तेरे को भाई मुर्गी दे रहा है, बकरी दे रहा है, खाने वाले भाई। अच्छा मेरे को बताने भाई, टेंशन क्या है भाई, है ये बताओ टेंशन किधर? बताओ टेंशन, मैं बताता हूँ, ना ही तो तुम्हारी बकरी सोने की मुद्रा देती है और ना ही वो मुर्गी सोने का अंडा देती है, अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गोबर।
आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम तीनों को। अच्छा भाई ये बताने का भाई, ये जो जादू अपन तुमको दिए लगा, ये किसी और को दिखाया आपने कि नहीं दिखाया? बल्लू सोचते हुए बोला, हाँ एक सराय के मालिक के सामने दिखाया था। ओ तो ये टेंशन है भाई, भाई टेंशन नहीं लगा, अपन बताएगा ना भाई। इसका मतलब पता क्या है, तुम्हारा बकरी और तुम्हारी मुर्गी उस सराय वाले ने चोरी कर लिया भाई। आज अपन तुमको ना एक जादू डंडा देगा, मालिक से जाके पूछने का कि तुमने मेरी मुर्गी और बकरी चोरी की है कि नहीं की है। अगर वो झूठ बोला तो ये डंडा उसे तब तक पीटेगा जब तक वो सच नहीं बोलेगा। ये लो भाई, लेके जाने का और मालिक से मिलने का, समझे क्या? बल्लू डंडा लेके सराय के मालिक के पास गया और उससे पूछा, क्या तुमने मेरी बकरी और मुर्गी चोरी की है? नहीं नहीं बल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो? बस फिर क्या था, जादुई डंडा बल्लू के हाथ से निकला और सराय के मालिक की खूब पिटाई करने लगा। बल्लू भाई, बल्लू भाई, इस डंडे को रोको ना, इस डंडे को रोको ना, ये डंडा तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। बता दो मैंने ही तुम्हारी बकरी और मुर्गी चोरी की है। इस डंडे को रोक लो, इस डंडे को रोक लो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा सब। सराय के मालिक की बात सुनकर डंडा थम गया और सराय के मालिक की जान में जान आई। उसने बल्लू को उसकी जादुई मुर्गी और बकरी दे दी। आज बल्लू बहुत खुश था, वो मुर्गी और बकरी को अपने घर ले गया और वो धनी हो गया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए।